व्हाट्स अप गाइस, आज मैं खेलूंगा इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का चौथा T20 का मैच। अभी तक वेस्ट इंडीज सीरीज में 2-1 से आगे है, तो आज मैं प्रेडिक्शन मैच में ट्राई करूंगा कि सीरीज को लेवल कर दे इंडिया। सो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, तो अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, दिल से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो कर दो, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कुछ होता है। अभी यहाँ पे टॉस टाइम भी हो चुका है एंड अभी मैं टॉस जीता तो मैं पहली बैटिंग ही लेने वाला हूँ। एंड यार वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता है, देखते हैं कि वो क्या लेते हैं। नाइस भाई, हमारे पक्ष में डिसीजन गया है, वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत के पहली बॉलिंग चुनी है, तो हमें बैटिंग करनी थी तो वो मिल चुकी है। लेट्स गो, फर्स्ट बॉल खेलेंगे यशस्वी जयसवाल। फर्स्ट बॉल पे इनसाइड एज, भाई काफी अच्छा लग, यशस्वी जयसवाल का आउटफील्ड भी काफी फास्ट है। भाई फर्स्ट बॉल पे 2 रन मिल गए, भाई तीसरा भी मिल सकता है, तीसरा भी मिल गया पहली बॉल पे। लॉफ्टेड शॉट खेलने वाला हूँ, टाइमिंग काफी खराब हुई है भाई। यार 7 रन पे पहली विकेट गिर चुकी है इंडिया की, यहाँ पे टाइमिंग काफी खराब हुई थी। हमारे सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पे आएंगे। यशस्वी जयसवाल ऑन स्ट्राइक, कवर ड्राइव खेली है, भाई गैप में भी है एंड चौका मिल जाएगा 5वीं बॉल पे उसको। ओबेन मैकोय सेकंड ओवर डालेंगे। फर्स्ट बॉल फुल टॉस, भाई क्या ही तो बॉल थी, भाई कम्प्लीटली बीट कर दिया यशस्वी जयसवाल को। अभी तक मैकोय ने काफी अच्छा ओवर डाला है, 3 बॉल पे 2 रन ही दिए है, चौथी बॉल भी मिस हो गई। नहीं यार इस बॉल पे तो हमें शॉट खेलना होगा, आइडल की टाइमिंग हुई है, क्या फर्स्ट सिक्स मिलेगा, टाइमिंग तो अच्छी हुई है और जी बिल्कुल 5वीं बॉल पे फर्स्ट सिक्स मिल चुका है यशस्वी जयसवाल को। काफी बढ़िया शॉट था जयसवाल का। यहाँ पे तीसरी ओवर भी अकील हुसैन डालेंगे। फर्स्ट बॉल पे रिवर्स स्वीप, भाई ग्लव्स पे लगी, सिंगल मिल गया। अभी सूर्य कुमार यादव अपना फर्स्ट बॉल खेलेंगे, स्वीप खेलने वाला हूँ, टाइमिंग काफी बढ़िया हुई है, आउटफील्ड तो आपको पता है कि काफी फास्ट है, इसीलिए चौका मिल जाएगा फर्स्ट बॉल पे सूर्य कुमार यादव को। अगेन मैं स्वीप खेलने वाला हूँ, नहीं यार स्वीप तो नहीं खेल पाया, पर कट लगा दिया और भाई कट शॉट के चलते भी चौका मिल गया। लास्ट बॉल ऑफ दी थर्ड ओवर, सूर्य कुमार यादव ऑन स्ट्राइक, सिंगल ही मिलेगा हमें। ओ भाई सिंगल नहीं, गैप में खेल दिया, चौका भी मिल गया। भाई मुझे लगा कि सिंगल ही मिलेगा क्योंकि वहां पे फील्डर था, पर काफी पावरफुल शॉट था। ओबेन मैकोय अगेन आ चुके हैं, फर्स्ट बॉल ही बाउंसर, भाई काफी अच्छी बॉल थी, हेलमेट पे लग गई सूर्य कुमार यादव के। सूर्य कुमार यादव ऑन स्ट्राइक, स्ट्रेट ड्राइव तो काफी अच्छी खेली है, आइडल की टाइमिंग हुई है और भाई फील्डर है पीछे, फिर भी चौका मिल जाएगा। सूर्य कुमार यादव ने अभी तक 4 बाउंड्री लगा दी है 5 बॉल में। सूर्य कुमार यादव ने थर्ड मैच में भी काफी अच्छी बैटिंग की थी, पर यहाँ पे डंडा निकल गया। भाई ये कौन सा शॉट खेलने जा रहे थे सूर्य कुमार यादव, मैकोय की काफी बढ़िया बॉल, स्वीप शॉट खेलना चाह रहे थे सूर्य कुमार यादव, पर स्वीप शॉट नहीं लगा पाए, सीधा पेवेलियन पे चले गए। तिलक वर्मा को मैंने चौथे नंबर पे भेजा है, तिलक वर्मा ने लास्ट मैच में 49 रन बनाए थे, पर यहाँ पे आते ही स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट खेल के चौका लगा दिया फर्स्ट बॉल पे ही। अलजारी जोसेफ के सामने जयसवाल स्ट्राइक में आ चुके हैं, फर्स्ट बॉल और फर्स्ट बॉल पे ही 6 मार दिया जोसेफ के सामने। दोस्तों अभी भी जोसेफ ने कोई फील्डर सर्कल के बाहर नहीं रखा है, इसीलिए मैंने चांस लिया और भाई चौथी बॉल पे भी चौका मिल गया। लास्ट बॉल ऑफ दी ओवर अगेन हिट किया है, क्या इस बार छक्का मिलेगा, टाइमिंग तो अच्छी हुई है और जी बिल्कुल आखिरी बॉल पे छक्का मिल गया जयसवाल को। काफी खराब बॉलिंग अलजारी जोसेफ की। इस मैच में हमें 10 ओवर पे कम से कम 120 रन तो बनाने ही होंगे। होल्डर ने अभी तक 3 बॉल पे कोई रन नहीं दिया है, इस बॉल पे चांस लेने वाला हूँ, आइडल की टाइमिंग हुई है और चांस लिया भी और छक्का पाया भी। दोस्तों 1 सिक्स से कुछ नहीं होने वाला है, 1 और 6 चाहिए। अगेन हिट किया है और 1 और 6 मिल जाएगा तिलक वर्मा को, 2 बैक-टू-बैक 6 लगा दिए। आज मैंने रोमारियो सेफर्ड की जगह ओसेन थॉमस को बुलाया है, फर्स्ट बॉल पे हिट किया है जयसवाल ने, टाइमिंग काफी खराब, भाई सीधा फील्डर ने कैच पकड़ लिया। यहाँ पे तीसरी विकेट भी गिर चुकी है इंडिया की 79 रन पे। तो अभी मैंने 5वें नंबर पे भेजा है संजू सैमसन को। अबे यार अभी तक इंडिया के लिए काफी खराब ओवर गया है, 4 बॉल पे 2 रन ही बना पाया हूँ मैं, पर इस बार तिलक वर्मा ने लेग साइड में खेल दिया और चौका भी पा लिया। तिलक वर्मा का पिछले वाला शॉट प्रेशर रिलीजिंग शॉट था, अगेन वहां पे ही खेल दिया है एंड अगेन चौका मिल गया। रोमन पावल अभी तक काफी स्लो बॉलिंग कर रहे हैं, इस बार थोड़ा सा टाइम लिया और चौका मार दिया, काफी अच्छी टाइमिंग। लेग साइड में खेलने वाला हूँ इस बॉल को, टाइमिंग काफी खराब हुई है, गैप में है इसीलिए शायद से 2 रन मिल जाएंगे। वो भाई चौका भी मिल गया, काफी खराब फील्डिंग फील्डर की। 35 रन पे तिलक वर्मा पहुंच चुके हैं, आखिरी बॉल, थोड़ा सा टाइम लिया है, आइडल की टाइमिंग और चौका ही मिलेगा भाई। लेट्स गो भाई, थॉमस के सामने तिलक वर्मा स्ट्राइक में आ चुके हैं, इस बॉल पे मैं हिट करने वाला हूँ, भाई गुड टाइमिंग हुई है, पीछे फील्डर रोक तो नहीं पाएगा, चौका मिल जाएगा चौथी बॉल पे भी। तिलक वर्मा 43 रन पे पहुंच चुके हैं, अभी वहां पे फील्डर रख दिया है इसीलिए मैंने स्ट्रेट में हिट किया है एंड भाई स्ट्रेट में भी चौका मिल जाएगा। लास्ट बॉल ऑफ दी ओवर, 50 में ओनली 3 रन चाहिए, क्या 50 बना पाएंगे, हिट तो किया है और भाई
छक्के के साथ यहाँ पे 50 रन बना लिया तिलक वर्मा ने। पिछली मैच में तो 50 नहीं हो पाया था, पर इस मैच में तिलक वर्मा ने 50 रन बना लिया 21 बॉल पे ही। आप तिलक वर्मा का वैगन व्हील भी देख सकते हो, तीनों ही छक्के ऑफसाइड में लगाए। अल्जारी जोसेफ भी आखिरी ओवर डालेंगे, स्ट्राइक में है संजू सैमसन। भाई यार फर्स्ट बॉल पे तो मिस हो गया, अभी भी लास्ट 5 बॉल बची है। फुल टॉस बॉल मिली, टाइमिंग काफी बढ़िया हुई है इसीलिए चौका मिल गया। गाइज मैंने टारगेट सेट किया था 120 का, पर यहाँ पे हमारे 122 रन हो चुके हैं। और भाई इस चौके को मिला लो तो 126 रन हो जाएंगे। पहले इनिंग की लास्ट बॉल है संजू सैमसन ऑन स्ट्राइक। अबे यार अगेन मिस हो गया, भाग जाओ प्लीज। भाई रन आना चाहिए, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तो 10 ओवर पे बने हैं इंडिया के 128 रन। लेट्स गो भाई, 10 ओवर पे 129 रन का बड़ा टारगेट चेस करने के लिए काइल मेयर्स और ब्रेंडन किंग आ चुके हैं। और हमारी ओर से फर्स्ट ओवर डालेंगे हर्षदीप सिंह। हर्षदीप सिंह से पहली बॉल आउटस्विंग डाली है, फर्स्ट बॉल पे तो सिंगल मिल गया। काइल मेयर्स के सामने अगेन आउटस्विंग रखता हूँ, और भाई ये क्या हुआ, आउटसाइड थी या कैच गिरा दिया? ओ भाई यहाँ पे काइल मेयर से आउटसाइड लगी थी, फिर बाद में क्या हुआ वो देखते हैं कि ये कैच था कि नहीं। हार्दिक पांड्या ने ट्राई तो किया था पर जमीन पे बॉल टच हो गई थी। अभी तक हर्षदीप सिंह का बहुत ही अच्छा ओवर, 4 बॉल पे 7 रन ही दिए है। क्या आउट है? नहीं यार ये आउट नहीं है, मिसिंग लेग स्टंप था। हर्षदीप सिंह के पहले ओवर में 10 रन आए थे, सेकेंड ओवर मुकेश कुमार, फर्स्ट बॉल पे चांस बना था कैच का। ओ भाई कैच का चांस, अबे यार काफी टफ कैच है, पकड़ लिया। भाई मुझे लगा था कि कैच गिरा देंगे, पर काफी अच्छा कैच यहाँ पे। और मुकेश कुमार को एक विकेट मिल चुकी है काइल मेयर्स की। अभी तक 4 बॉल पे 2 रन ही दिए हैं मुकेश कुमार ने, ये 5वीं बॉल है। भाई कैच का चांस, सेकेंड विकेट भी मिल सकती है। संजू सैमसन का काफी अच्छा कैच, पहले ओवर पे ही 2 विकेट मिल चुकी है मुकेश कुमार को। चौथे नंबर पे सिमरन हेटमायर आ चुके हैं, लास्ट बॉल ऑफ दी ओवर, अभी तक 2 रन ही दिए है मुकेश कुमार ने। एक और कैच का चांस, अबे भाई यार फील्डर से थोड़े से ही ऊपर चली गई, छक्का मिल गया लास्ट बॉल पे हेटमायर को। भाई लास्ट ओवर काफी इवेंटफुल था, तो तीसरी ओवर डालेंगे यूजी चहल। हेटमायर के सामने मैंने फ्लाइटेड बॉल रखी है, अबे यार काफी अच्छा शॉट खेल दिया हेटमायर ने, दूसरी बॉल पे भी चौका लगा दिया। लास्ट बॉल ऑफ दी थर्ड ओवर, 5 रन ही आए हैं ओवर पे, कैच का चांस। अबे भाई यार हर्षदीप सिंह से थोड़ी सी आगे गिरी, कैच का चांस हो सकता था। मुकेश कुमार को मैंने एक और ओवर दिया है, उसका लास्ट ओवर है ये, सेकेंड बॉल पे हिट किया है, बट यार इस बार तो चौका मिल जाएगा, काफी अच्छी टाइमिंग हुई थी हेटमायर की। राइटी बैट्समैन स्ट्राइक में आ चुका है, चौथी बॉल पे कवर ड्राइव के लिए। भाई आउटफील्ड काफी फास्ट है इस ग्राउंड की। चहल भाई एक और ओवर लेके आते हुए, फर्स्ट बॉल पे ही हिट किया है हेटमायर ने, एंड चौका भी मिल जाएगा। ओ भाई इस बार गैप में खेला है तीसरी बॉल पे, भाई यार तीसरी बॉल पे भी चौका मार दिया। नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, अभी हमें कुछ भी करके हेटमायर को आउट करना होगा। एक बार फिर से वही दिशा में शॉट, एक बार फिर से चौका मिल गया, 4 बॉल पे 3 बाउंड्री लगा दी है अभी तक हेटमायर ने। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, इस ओवर में अभी तक 14 रन आ चुके हैं। आगे बढ़ के शॉट, ओ भाई स्टंपिंग कर दिया संजू सैमसन ने, और कैच भी पकड़ लिया, काफी अच्छी कीपरिंग। चहल भाई को लास्ट बॉल पे विकेट मिल गई। उमरान मलिक को मैंने बुला लिया है अभी, फर्स्ट बॉल पे आउटसाइड एज, भाई फर्स्ट बॉल पे ही चौका मिल गया। नहीं भाई उमरान मलिक का पहला बॉल काफी अच्छा था, सेकंड बॉल कैच, भाई कैच है। अबे यार नहीं हो पाएगा, काफी छोटा सर्कल था, काफी कम रिएक्शन टाइम था। गो भाई चौथी बॉल डालेंगे उमरान मलिक अपने ओवर की, निकोलस पुरन ने फर्स्ट बॉल पे ही चौका लगा दिया। 5 बॉल में 10 रन आ चुके हैं उमरान मलिक के इस ओवर में से। भाई इस बार तो मेरे पास वो सर्कल ही नहीं आया, यशस्वी जयसवाल ने कैच गिरा दिया यहाँ पे। अक्षर पटेल डालेंगे अभी 7वां ओवर, फर्स्ट बॉल निकोलस पुरन स्वेप्ट इट अवे फॉर द 4, सेकेंड बॉल पे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट खेला है और छक्का भी मिल जाएगा। तीसरी बॉल, भाई कैच का चांस है प्लीज। अबे यार भाई ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है, 18 रन आ चुके हैं अक्षर पटेल के इस ओवर में से। 5वीं बॉल, भाई ओ भाई कैच का चांस था, निकोलस पुरन के हेलमेट पे बॉल लगी थी। भाई ये देख लो, साई ओप ने शॉट खेला था, फिर बाद में निकोलस पुरन के हेलमेट पे बॉल लगी और अक्षर पटेल के पास कैच का चांस था। भाई अक्षर पटेल को पकड़ना चाहिए था। लास्ट बॉल ऑफ दी ओवर, आगे बढ़ के शॉट खेला है और 6 मिल जाएगा लास्ट बॉल पे। भाई उमरान मलिक को मैंने एक बार फिर से बुला लिया है, पहले ओवर में 10 रन तो आए थे पर 2 कैच के चांस थे। एक और बार कैच का चांस, पर इस बार तो सूर्य कुमार यादव ने पकड़ लिया, भाई फाइनली कैच पकड़ लिया तीसरे चांस के बाद। रोमन पावल द कैप्टन आ चुके हैं बैटिंग में। ओ भाई उमरान मलिक काफी अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं, मलिक ने काफी अच्छी बॉलिंग की है।
अबे यार कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी मैंने, लास्ट बॉल पे चौका मार दिया साई ओप ने। अक्षर पटेल को मैंने एक और ओवर दिया है क्योंकि पहली ओवर में तो महंगे साबित हुए थे, पर अभी ऐसा लग रहा है कि विकेट मिलेगी। यहाँ पे कैच भाई, ग्राउंड बहुत ही छोटा है इसीलिए छक्का मिल गया। भाई 10 बॉल पे 35 रन चाहिए वेस्ट इंडीज को, अगेन उठा के खेला है, एक बार फिर से छक्का मिल जाएगा। अक्षर पटेल की ये लास्ट बॉल 9th ओवर की, भाई लेग साइड में शॉट खेला है और लास्ट बॉल पे भी छक्का मिल गया। भाई अभी अर्शदीप सिंह को लास्ट ओवर पे 23 रन डिफेंड करने हैं। फर्स्ट बॉल पे उठा के खेला है फील्डर नीचे, अबे भाई यार फर्स्ट बॉल पे ही छक्का मिल गया। भाई काफ़ी अच्छा मैच होता हुआ अभी तक, 5 बॉल पे 20 रन चाहिए। इस बार थोड़ी सी खराब टाइमिंग हुई है। ओ भाई उमरान मलिक नीचे है, प्लीज़ उमरान मलिक कोई गलती नहीं करना। काफ़ी अच्छा कैच पकड़ लिया, सेकेंड बॉल पे अर्शदीप सिंह को विकेट मिल गई। भाई तीसरी बॉल पे रोमन पावल स्ट्राइक में, 4 बॉल पे 17 रन चाहिए। अबे यार इस बार काफ़ी अच्छी टाइमिंग हुई है और छक्का भी मिल जाएगा। 3 बॉल पे 11 रन चाहिए, टाइमिंग थोड़ी सी खराब। भाई फिर भी चौका मिल गया, 2 बॉल पे चाहिए 7 रन अभी। भाई यार इस बॉल पे कोई बाउंड्री नहीं आनी चाहिए, फ्लिक खेल दिया है, गैप में भी खेला है एंड भाई काफ़ी अच्छी फील्डिंग, 2 रन ही मिले। भाई काफ़ी स्लो फील्डिंग के चलते तीसरा भी मिल गया। लास्ट बॉल बची है, 4 रन चाहिए, जेसन होल्डर ऑन स्ट्राइक, लेट्स सी। भाई गैप में शॉट खेला है, चौका तो नहीं मिलेगा। लास्ट बॉल काफ़ी अच्छी थी अर्शदीप सिंह की, एक ही रन मिल पाया और इंडिया ये 3 रन से मैच जीत चुकी है। भाई माफ़ करना, इंडिया ओनली 2 रन से ही मैच जीती है। काफ़ी अच्छा नेल बाइटिंग मैच था और इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा बने हैं। सो या गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।